मैं दिव्य हूँ। मैं नॉन जेंडर कन्फर्मिंग हूँ। मैं इंसान हूँ। कहने के लिए हमारे समाज में बदलाव आ रहा है और हम जैसे लोगों को एक्सेप्टेंस मिल रही है, लेकिन हाथी के दांत दिखाने के और खाने के ओर। अभी छोटा सा एग्जांपल है, मैं मुंबई में रह रहा था और मेरे जिस घर में रह रहा था उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया था, तो मुझे घर छोड़ना था। मेरे पास 15 दिन का टाइम था। मैंने एक ब्रोकर से बात की और ब्रोकर ने कहा कि हाँ सर, बैचलर फ्रेंडली है। मैंने एक्चुअली एक मोबाइल एप्लीकेशन से उसका नंबर ढूंढा था, तो फ़ोन पे बात हुई, कहता है कि घर बैचलर फ्रेंडली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे साथ 2 फ्रेंड्स और थे, मैंने बताया कि दोनों लड़के हैं। कहते हैं हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ जाइए घर देख लीजिए। सो छुट्टी के दिन मैं गया, मैंने घर देखा, मैंने कहा ठीक है, घर पसंद आ गया। उस दिन मैं नॉर्मली गया, कोई मेकअप नहीं किया था, कोई ड्रेस नहीं पहना था, बिकॉज घर देखने जा रहा था तो कैजुअल्स में गया। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, आपको घर पसंद है तो हम लैंडलेडी से आपका मीटिंग करवा देते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कर दीजिएगा और आपका हम रेंट एग्रीमेंट तैयार कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो लैंडलेडी जिस दिन अवेलेबल थी उस दिन मेरा ऑफिस था। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि तुम लोग जा कर के मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दो और रेंट एग्रीमेंट जब भी बनेगा मैं साइन कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है। वो लोग गए लैंडलेडी से मिलने के लिए। मैं ऑफिस में काम कर रहा था, मेरे को टेक्स्ट मैसेज आता है कि वो घर नहीं देंगे। मैंने कहा अचानक से क्या हो गया? कहते नहीं, तुम घर आ जाओ तो बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं घर गया, मैंने पूछा कि हुआ क्या? कहते नहीं, वो कह रहे हैं बैचलर्स को ऐसे घर नहीं मिलता है। मैंने कहा कि क्यों, हमारे को तो बोला, मेरे को तो बोला था कि बैचलर्स को घर दे देंगे। कहते नहीं, कह रहे कि तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। मैंने कहा ज्वाइनिंग लेटर की क्या ज़रूरत है, जब मेरे पास ऑफिस की आईडी कार्ड पड़ी हुई है। मैं ऑफिस का आईडी है, मतलब मैं काम कर रहा हूँ तभी आईडी है, नहीं तो वो तो वापस हो चुकी होती। कहते नहीं, वो लोग नहीं मान रहे और वो लोग अवॉइड कर रहे थे। मैंने कहा कि अवॉइड कर रहे थे मतलब? कहते कि वो लैंडलेडी और ब्रोकर साइड जा कर के कुछ बातें कर रहे थे, हम लोग की तरफ देखा, फिर उसके बाद फिर वापस आकर कहते हैं कि नहीं, सोसाइटी वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऐसे, आप ज्वाइनिंग लेटर लाएंगे तभी हम लोग बात करेंगे, अभी रहने दीजिए, और बोल करके निकल गए। सो मुझे लगा कि तुम्हारी तरफ देखा और अचानक से माइंड बदला, ऐसा क्यों? मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर मैंने देखा कि मेरे एक फ्रेंड ने ग्रीन कलर की आई लाइनर लगाई हुई थी। मैंने कहा तुम इस तरह से गए थे उनसे मिलने के लिए? कहता है हाँ, मैं ऐसे ही गया था उनसे मिलने के लिए। तो मैंने पूछा तुम्हें पता है ना कि तुमने आईलाइनर लगाया हुआ है? कहता है हाँ। मैं कहा प्रॉब्ली इसलिए घर नहीं दिया, उनको लगा होगा कि ऐसे लोग हैं इनको घर नहीं देना चाहिए। बट एज सून एज आई सेड इट, मेरे को तुरंत लगा कि मैंने ये क्या बोल दिया, क्योंकि मेरे फ्रेंड को फील होने लगा कि मेरे कारण घर नहीं मिला। बट आई वॉज हैप्पी कि अच्छा हुआ तुम वैसे गए। मैंने उसको बोला कि इट्स गुड दैट यू वेंट लाइक दैट, तुमने लाइनर लगाया, अच्छा किया। क्योंकि आज अगर हम लोग हाइड करते हैं अपनी आइडेंटिटी और कल को वो घर मिल जाता और उसके बाद हम लोग पार्टीज वगैरह में जाते, अगर मेकअप करके निकलते या गाउन पहन करके निकलते, वो लोग तो फिर हमारे को कहीं का नहीं छोड़ते, वो तो हमारे को ऐसे ही घर आकर के निकाल देते बाहर। तो बाद में तमाशा होने से अच्छा है कि पहले ही पता चल गया कि वो कैसे हैं और वो लोग हमारे को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो हम लोग कहीं और देखेंगे घर। सो आई वॉज़ हैप्पी कि हमारे को पहले ही पता चल गया। बट यही है, सोसाइटी में बदलाव आ रहे हैं और देर आर पीपल, नया जनरेशन जो कि हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत साल लगेंगे उस
मुकाम तक पहुंचने के लिए जहां पे हमारे को ऐसे चीज़ों के लिए इश्यूज ना आए। मतलब मैं तुम्हें रेंट देने के लिए तैयार हूं और मैं अच्छा कमा रहा हूं, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर घर देने में प्रॉब्लम क्यों? हूँ तो मैं भी इंसान, मेरी भी ज़रूरतें वही है, मेरे भी वही हक होने चाहिए, मुझे भी घर मिलना चाहिए, मुझे भी अपने हिसाब से जीने का हक होना चाहिए। असलियत शायद कुछ और। तो ये थी मेरी कहानी। वैसे ना कहता तो भी चलता था, पर सोचता हूं कि कहूंगा तो फर्क पड़ेगा, और ताकि ये हर लोगों तक पहुंचे ये बात, ताकि फर्क पड़े। अगर आप चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर करें।